तो आज कांग्रेस पार्टी ने उन सब युवाओं को जवाब दिया है। जवाब क्या दिया कि 3000 रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी देगी, 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल के लिए देगी। क्योंकि हम आपकी कठिनाई समझते हैं, आपकी मुश्किल समझते हैं, हम जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रही है, आपको कष्ट हो रहा है, आपको मुश्किल हो रही है, इसलिए हमने ये आपके लिए कदम उठाया है। 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स के लिए, 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल के लिए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी क्या कर्नाटक में कुछ कमाल कर पाएंगे? हालांकि राहुल गांधी लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके कर्नाटक के चुनाव को जीता जाए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी की ताकत आधी हो गई है, लेकिन फिर भी वो लड़ते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले राहुल गांधी ने यहाँ पर कई रैलियाँ की थी। इस रैली के जरिए उन्होंने जनता को अपने साथ जोड़ने का काम किया था। सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या आने वाले समय में राहुल गांधी कर्नाटक का जो चुनाव है वो कांग्रेस की तरफ रुख कर पाएंगे। कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई खूब देखी जा रही है, और ऐसे में खबर निकलकर सामने आई है कि कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने भी कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से अडानी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के सामने खड़े हुए हैं, ये मुद्दे बीजेपी की हार का कारण अब बन सकते हैं। पिछले चुनावों की अगर बात करें तो पिछले चुनावों से जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है, चाहे बात हिमाचल की कर लें, उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव हुए उसकी बात कर लें, दिल्ली में MCD चुनाव हुआ उसकी बात कर लें, तो जो हालात देखने को मिले वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि जो बदलाव इस वक्त विपक्ष की तरफ हो रहा है, क्या आने वाले वक्त के चुनाव में भी इसी तरीके से ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इन्हें सत्ता हासिल होगी? क्या इन विपक्षी पार्टियों के पास जो है जनता का पूर्ण बहुमत मिल पाएगा? ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान करके जनता का दिल जीत लिया, उसके बाद से कर्नाटक का सियासी माहौल जो है वो बीजेपी से अलग दिखता नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष पर जिस तरीके से जनता का फोकस है ये जाहिर तौर पर बताता है कि विपक्ष पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है, और बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ना अब काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।